अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें। और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। Thank you.
कर हो सुभाई, हर हो विपत्ति जन कर हो सुभाई, तेरी हर हो विपत्ति जन कर हो सुभाई, तेरी हर हो विपत्ति जन कर हो सुभाई। माता साहिब बेनती है क्योंकि जिहड़े समागम हो रहे ने श्री मन संत बाबा गोपाल आनंद जी दे महाराज दे रहन सबाई झल्ले हो रहे कर्मां दे नाल प्राप्त हुंदा है। संगत करनी साध संगत करनी कुछ लाह खट के आपां घर नूं जाणा क्योंकि साध संगत जी संसार दे धंधे छटे ने पेंडा तह करके पहुंचे कुछ लाह खट के जाइए ताकि साडा जीवन साडे स्वास सफल हो सकण। आओ सतगुरु रास महाराज ने कलयुग दा अवतार धारिया उस समय दे अंदर उस परमात्मा दी बंदगी भगती सिमन कर रहे ने ते साध सिंह जी नाल किरत कर रहे ने धंधा कर रहे ने परिवार दा पालन पोषण हो रहा दुखियारे लतारे लोगों की सेवा कर रहे ने। साध सिंह जी गुरु वाक है हर से हीरा छाट कै करे आन की आस ते हर दोष जाएंगे सत पाख रबदास। जंगल कर को जिथे उस परमात्मा अकाल पुरख की बंदगी अंदर लीले बंदगी कर रहे ने सिमर कर रहे ने अपने लिए नहीं परिवार लिए नहीं संसार के सारे लोगों के भले लिए क्योंकि साध सिंह जी जो संत महापुरश गुरु साहिबान बंदगी करते हैं सिमरन करते ने अपने परिवार लिए नहीं नगर लिए नहीं इलाके लिए नहीं समुची मनुखता के भले लिए समुची मनुखता के जीवन का सत्कार मान उन्होंने बरकरार रखने के लिए सिमरन बंदगी करते हैं। हुण परमात्मा की बंदगी अंदर लीन नाम जप रहे ने बंदगी कर रहे ने सिमरन कर रहे ने। साध सिंह जी देव नेत नां दा एक शिकारी आया क्योंकि संसार दे लोक कोई चंगे काम करदा कोई माड़े काम करके अपने परिवार नूं पा लिया कोई किरत कर रहा कोई चोरी कर रहा कोई हक दी कमाई खा रहा कोई बेईमानी कर रहा ओह शिकारी अपनी पूरी योजनाबंदी दे तहत हुण जंगल दे विच शिकार कर ली अपने शास्त्र पात्र को लेके कोई शिकार को मार के लेके ओदा मांस वेच के अपने परिवार को पालेगा। सुनो कवि ने चार लाइनां लिखिया ओ शिकारी मन च रख के पाप जिस इलाके अंदर सतगुरु रास महाराज बंदगी कर रहे ने ओ किसे जीव दी हत्या करने लई पहुंचिया। आओ उस समय दा तक नक्शा पंजाबी दे कवि ने चार लाइनां है ओ लिखिया है
ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ
देवदास महाराज की जय। स्वामी गुप्तानंद महाराज जी दे आश्रम विखे स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी दे बरसी समागम ते पहुंचिया हुई सारिया ही संगतां नूं जय गुरदेव साध संगत जीओ स्वामी गुप्तानंद महाराज जी दे आश्रम विखे अज महान तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन कौम दे रहवर सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी दे अस्थान डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्लां दे मौजूदा गद्दी नचीन अते चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनारस महान तपस्वी सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी अज स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी उन्होंने बरसी समागम से उन्होंने श्रद्धा अर्पण करने वास्ते और आप सब संगतां नूं दर्शन दारे देण वास्ते पहुंचे हैं। साध संगत जी अज आप जी उन्हां महान महापुरशां दे दर्शन दारे कारे हो जिन्हां महान महापुरशां ने सदियां तों बाद सतगुरु रविदास महाराज जी दे जन्म स्थान दी खोज सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि राहें कीती और उस पावन दरबार श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर का नींव पत्थर महान तपस्वी सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी पासों 14 जून 1965 हाड़ की संगरांद वाले दिन रखवाया और उस पावन दरबार की सारी दिया सारिया जिम्मेवारियां सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज जी नूं सौंपियां। सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज जी दे जीवन काल तो बाद मौजूदा गद्दी नशीन सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी ने श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर का बहुत ज्यादा विस्तार किया। महाराज जी ने संगतां दी सुविधा वास्ते लंगर हाल यात्री निवास और सतगुरु रविदास महाराज जी की याद विच श्री गुरु रविदास मेमोरियल गेट लंका चौराहा की उसारी करवाई और उस पावन दरबार के विच सोने की जोत सोने के मुकुट सोने के शतर और उस पावन दरबार के विच स्वर्ण पाल की सुशोभन कीती और जो रविदासिया कौम के अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी का संकल्प सी के चलो बनारस साध संगत जी एक इतिहास रचाना है गुरु रविदास के मंदिर सोने विद मड़ाना है सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी आप सब संगतां और विदेशी संगतां के सहयोग नाल उस पावन दरबार सोने दे विद मड़ा रहे हैं।
आज उस पावन परिवार दे पति सोने दे कलश और बड़ा गुंबद सोने दे मठ मटका है और आज ओ पावन परिवार रविदासिया कौम का महान तीर्थ स्थान का दर्जा प्राप्त कर चुका है जिस दे रोजाना बड़ी गिनती दे दे संतान दर्शन दारे करके अपना जीवन सफल बना रहा हैं इस पावन परिवार दे गद्दीशी सत्कारयोग संत गोपालानंद महाराज जी हरेक साल सतगुरु रविदास महाराज जी दे जन्म स्थान पे बड़ी गिनती दे वे संतां नूं उस पावन दरबार के दर्शन वास्ते लेके जांदे हन सो अज आप जी बहुत बड़े भागां वाले हो जो डेरा सी 108 संत सरवण बाग जी सचखंड बल्लां दे महान महापुरशां दे दर्शन दारे करके अपना जीवन सफल बना रहे बिछड़िया जे मिल जावे लाचे जान पावे मेरे मुरछद साइया वे मेरे रोम रोम बिच बास तेरा हो जावे मुरछद साइया वे मेरे रोम रोम बिच बास
दाई समता गहे सबना मांगे खैर। बाबा पिपलदास गुरु सरबन दास हरिदास गुरजोए सो हमारी रखे आ करे बिघन ना लागे कोए। तन तन सतगुरु ग्रीवदास बंधो नित सुबह शाम चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। परम सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जी अज डेरा स्वामी गुप्तानंद जी पसीवाल विखे डेरे दे संचालक श्री 108 संत महाराज गोपालानंद जी उन्हां वल्लों बड़ी श्रद्धा दे नाल और संगतां वल्लों ब्रह्मलीन 108 संत महाराज ब्रह्मानंद जी उन्हां दा बरसी समागम बहुत ही श्रद्धा दे नाल मनाया जा रहा है जिस दे विच डेरा श्री 108 संत सरबन दास जी सचखंड बल्ला जलंधर दे मौजूदा गद्दी नशीन अते चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी कांशी बनारस हजूर महाराज सतगुर स्वामी निरंजन दास जी ब्रह्मलीन श्री 108 संत महाराज ब्रह्मानंद जी हुणा नूं श्रद्धा सुमन अर्पण करन वास्ते आए हन। उन्हां दी कृपा दे नाल अज दासां नूं भी इस दरबार दे संत समाज दे और संगतां दे दर्शन करन दा इह समां प्राप्त होया है। गुरु प्यारी साध संगत जी जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अमृतवाणी दे विच जो पावन उपदेश बख्शिश करदे हन कि जेड़े संत महापुरश है ओ संसार दे विच आ करके आप परमात्मा दा नाम जपदे हन और संगतां नूं जपाउंदे हन। जिथे बैठ करके संत महापुरश परमेश्वर दा नाम जपदे हन ओ धरती जो है ओ पूजन योग हो जांदी है। अज आपां सारे देख रहे हां किड्डी वड्डी गिनती विच संत महापुरश और संगतां आईआं ए प्रभु भगती दा ही प्रताप है। जिह कुल साध बैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक ने ईसर बिंबल वास जानिया जग सोए ब्राह्मण वैस सूदर खतरी डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजनते आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर शतर पत राजा भगत बराबर और न कोए जैसे प्रैन पात रह जल समीप पन रविदास जन्मे जग ओए। जिस नगर दे विच नाम जपण वाले महापुरशां दा आगमन हुंदा है जन्म हुंदा है ओ नगर भी बड़ियाईयां जोग है।
जिस स्थान ते बैठ करके संत महापुरश परमात्मा दा नाम जपदे खन, संगतां नूं जपाउंदे खन, ओ स्थान भी पूजन योग है। जिस परिवार दे विच संतां दा आगमन हुंदा है ओ परिवार भी वड्याइयां योग है। संत महापुरश संसार दे विच रहिंदे होए भी संसार तो निर्लेप रहिंदे खन, क्योंकि संतां दा जिहड़ा जीवन है ओ परोपकारी जीवन है। ते सतगुरु महाराज जी उच्चारण करदे है, जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए।